मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। जिस तरह से आपको बता दें कि जब से लॉकडाउन हुआ था उसके कुछ दिन बाद से ही मुमरा कलवा के अध्यक्ष शमीम खान जो है वो मुमरा शहर में जो ज़रूरतमंद है उन लोगों तक जो है यहाँ पर खाना पहुँचाने का काम किया करते थे। लगातार 13 सेंटर यहाँ पर खाना बनाने के लिए बनाए गए थे और जो ज़रूरतमंद है उनको खाना पहुँचाने का काम करते थे। लेकिन जिस तरह से शहर की चाहे जो तकलीफ़ें हों, चाहे जो वक्त हो, अच्छे बुरे हर वक्त में वो हर वक्त जो है शहर के लोगों के साथ हर वक्त वो खड़े रहते थे, लोगों के हर मदद में वो शामिल होते थे। लेकिन उन्हें कुछ दिन पहले ही कोरोना संक्रमित पाया गया था और उन्हें जो है इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया था। लेकिन अब वो पूरी तरह से स्वस्थ होकर जो है अपने घर सुरमे प्लाज़ा में वापस आए हैं और यहाँ पर हमारे साथ जो है शमीम खान मौजूद हैं। हम उन्हीं से बात करते हैं कि आप जिस तरह से अब पूरी तरह से स्वस्थ होकर जो है यहाँ पर अपने घर पे आए हैं, तो इस मौके पर आप क्या कहेंगे, जिस तरह से लगभग पूरे शहर के लोग जो है आपके लिए दुआएं भी कर रहे थे। इस्लामुद्दीन भाई, अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले मेरे रब का बहुत बहुत शुक्र अदा करता हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे दोबारा एक नई ज़िंदगी दी है, मैं यही कह सकता हूँ। मेरे अल्लाह ताला का बहुत बड़ा करम है मेरे ऊपर, मेरे बच्चों के ऊपर और मेरे चाहने वालों के ऊपर। रही बात कि लोगों ने बहुत, हिंदुस्तान से मैं नहीं कह सकता हूँ, दुनिया के एक एक कोने से लोगों ने मुझे कॉल किया और मैं हॉस्पिटल में रह करके भी लोगों का फ़ोन रिसीव किया और लोगों ने मुझे बहुत दुआएं दी, खास करके हज़रत मौलाना मोइन मियां अशरफ साहब, मौलाना अब्दुस्सलाम सलफ़ी साहब और मौलाना शुएब साहब, ऐसे उलमाए कराम ने और बहुत सारी दुआएं दी लोगों ने। आज मैं अगर खड़ा हूँ तो इसमें तमाम उलमाए कराम और मेरे, ख़ास करके मेरे वालदेन और मेरे तमाम साथी, इन लोगों ने बहुत सारी दुआएं दी, बहुत सारा सदका किया। तो आज मुझे ऐसा लगता है कि जो लोगों ने मुझे प्यार दिया और जो मोहब्बत दिया, वाकई में मैं उसका हमेशा एहसानमंद रहूँगा। शमीम भाई, जिस तरह से जो यहाँ के कैबिनेट मंत्री हैं, आमदार हैं, वो जिस तरह से यहाँ के गलियों में जाकर लोगों को समझाया करते थे, कहीं ना कहीं जो मदद किया करते थे, लेकिन अब वो भी कोरोना पॉजिटिव हैं, तो अब उनके लिए जो है आप क्या कहेंगे शहरवासियों के लिए? मैं ये समझता हूँ कि आज जो मैं खड़ा हूँ, ये सब तमाम लोगों की दुआओं की ताकत से खड़ा हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि उस नेता के लिए, उस इंसान के लिए जो इंसान है वाकई में, जिससे मैं बेपनाह मोहब्बत करता हूँ, आप लोग उनके लिए, आप भी उनसे मोहब्बत करते हैं, आप लोग हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब के लिए, आनंद प्राजपे साहब के लिए, हमारी भाभी रूता अवार्ड के लिए और तमाम आलिम इस्लाम के लिए, तमाम पूरे देश और दुनिया के लिए आप लोग दुआएं करें कि अल्लाह ताला जो बीमार हैं उनको अल्लाह ताला सेहतियाब बनाए और जो बीमार हैं अल्लाह ताला जल्दी उनके परिवार तक उनको पहुँचाए। ख़ास करके हमारे जितेंद्र अवार्ड साहब को, रूता भाभी को, आनंद प्राजपे साहब को और साथियों को अल्लाह ताला शिफा अता फरमाए। ये मैं मुमरा शहर के लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, कोरोना को लेकर जो है आप इसके बचाव के लिए आप क्या कहेंगे, लोगों को क्या कहना चाहेंगे? सोशल डिस्टेंस बहुत ज़रूरी है इस्लामुद्दीन साहब। देखिए, मैंने कहा कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, तो अल्हम्दुलिल्लाह इसका ट्रीटमेंट है, इसमें ट्रीटमेंट हो जाता है। लेकिन जब अपने ऊपर ये चीज़ें आती है ना, तब इंसान समझता है इसका दर्द क्या होता है, इसकी तकलीफ़ क्या होती है, वक्त कैसे गुजरता है। जब मुझे हॉस्पिटलाइज होना था तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान था, लेकिन मेरे बड़े भाई सैयद अली अशरफ भाई साहब, पप्पू भाई, नजीब मुल्ला साहब, डॉक्टर शाह, इन लोगों ने मुझे हौसला दिया और मेरे बहुत सारे साथियों ने दुआएं किया मेरे लिए, हज़रत मोइन मियां अशरफ साहब ने, अब्दुस्सलाम सलफ़ी साहब ने, मौलाना शुएब साहब ने और मौलाना अजहर सिद्दीकी साहब ने, बहुत सारे उलमाए कराम ने और बहुत सारे हमारे साथियों ने दुआएं की। तो ये ज़रूरी है कि हम अपने ऊपर, हमारे लिए नहीं तो हम कम से कम हमारे परिवार के लिए, हमारे पड़ोसी के लिए, हमारे दोस्तों के लिए हम इन पर ध्यान दें और ऐसी गलती मत करें, ऐसी गलती ना हो कि आपको कहीं पर कोई तकलीफ़ हो, कोई आपको सिम्टम लगे तो आप घर में बैठे रह जाएं कि मैं ठीक हूँ। आप तुरंत, आपका इसकी रिपोर्ट होती है, इसकी रिपोर्ट कराएं। अगर आपको कोई दिक्कत लगे तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक होकर के आ गया हूँ, फ़ोन से बात तो कर सकता हूँ, आपकी रिपोर्ट की हेल्प कर सकता हूँ, जो हो सका हम लोग सब करेंगे, सैयद अली अशरफ भाई साहब, नजीब मुल्ला साहब, मैं इंशाल्लाह ताला और हमारे तमाम साथी करेंगे। ऐसा नहीं, आप लोग बताएं
इंशाल्लाह ताला आपका ट्रीटमेंट होगा, इसका ट्रीटमेंट है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग कहते हैं कि ये हो गया तो फिर आगे मैं कहना नहीं चाहता, आगे तो अल्लाह के हाथ में ज़िंदगी मौत होती है, लेकिन इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है कि आप टेंशन ले लें दिमाग पर अपने आप को। अल्लाह का एहसान है, इसका ट्रीटमेंट है, लेकिन वक्त से ट्रीटमेंट होना चाहिए, आप वक्त से पहुँचें, अपना ट्रीटमेंट कराएँ, यही मेरा कहना है। तो आपने सुना जिस तरह से जो शमीम खान है एनसीपी के कलवा मुमरा अध्यक्ष, वो अब जो है पूरी तरह से स्वस्थ आकर जो अपने घर पहुंच गए, लेकिन जिस तरह से मुमरा शहर के जो लोग हैं उनके लिए जो कहीं ना कहीं ये मददगार साबित होते हैं और लोग इनके लिए दुआएं भी कर रहे थे, लेकिन एक बार फिर अब उनकी खिदमत के लिए शमीम खान अपने ही घर अपने शहर में फिर उपस्थित है। कैमरामैन नज़ीर के साथ इस्लामुद्दीन खान, प्रहार टाइम्स, मुमरा। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।